अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई ईद का तीसरा दिन है, मैं सोया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन फिर मेहमान आ गए हमारे पास, तो फिर याद मुझे उठना पड़ रही है। फिर मेहमान से स्पेशल आए हैं, ये बिलेबू आ गए जी। बिलेबू बिलेबू अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। ओ जी बिलेबू जी, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बिले मामू हैं जी। पट्ठों की दवाई मैंने कहा जी, तीन दिन हो गए हैं, ईद के दिन है। दो दिन हुए पट्ठों की दवाई दो। कितने दा दवाई बेटा? जाओ दोस्तों, अभी हम चप्पल कबाब बनाने लगे हैं। दोपहर को जो हमने खाना खाया था उसमें से कुछ कीमा रखा हुआ था उस पे, तो वो अब हम चप्पल कबाब बनाने लगे हैं बिले मामू के लिए। बिले मामू या फैमिली के साथ, तो साथ दही शही हमने बना लिया, रायता शायता, बेहतरीन डिनर होने वाला है। रायता मैं बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छा रायता बनाता हूँ। अभी इस कीमे में हम अंडे मिलाने लगे हैं, दो अंडे डालेंगे, क्योंकि ये हमने बनाया था कीमे वाले नान के लिए, सब मटेरियल था तो वो खुश्क होता है, उसको आपने देखा होगा, हमने निचोड़ के सारा पानी उसका निकाला था, प्याज का भी और कीमे का भी, तो वो चप्पल कबाब खुश कीमे के सही नहीं बन सकते, तो उसके लिए हमने दो अंडे इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये कीमा अच्छा बन जाए। ये देखें जी, ये बेगम ने कबाब सही होने रख दिए, अब तो नहीं टूट रहे, ये अब बेहतरीन बन रहे हैं जी इंशाल्लाह। दोस्तों कबाब बन रहे हैं अभी, इंशाल्लाह 5-10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और अभी शेख साहब का भी फ़ोन आया था, हसन शेख साहब का, कि भाई मेरी मम्मा पापा किधर है। मैंने कहा भाई फैमिली डिवाइड हुई हुई है, मम्मा इधर है हमारी तरफ और पापा जी गए हुए हैं उधर नाना दादा की तरफ, तो आप भी इधर आ जाओ खाने पे, भाई हम आपका वेट कर रहे हैं। तो शेख साहब कहते हैं बस मैं पूरे पहुँचता हूँ थोड़ी देर में, तो शेख साहब भी पहुँचने वाले हैं, तो इतनी देर हम नान ले आते हैं जल्दी से, ताकि शेख साहब पहुँचे तो खाना बिल्कुल रेडी हो। देखते हैं ये जी नान हम ले आए हैं, बड़े बेहतरीन गरम गरम नान है। दोनों बच्चे नान लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसने अपना पानी रखा हुआ है, ये मेरे बेटे का इब्राहिम का पानी, ये दोनों नान खा रहे हैं। कबाब रेडी हो चुके हैं, मैं अभी एक कबाब लेता हूँ और टेस्ट करता हूँ यार नमक मिर्च सही है या नहीं। हमने तो वो नान के हिसाब से डाला था, तो अभी मैं इसका जो है ना मिर्च मसाले वो चेक करता हूँ। अच्छा जी, गरम कई स्पाइसी हैं, बेहतरीन हाजी साहब के बिल्कुल मतलब के हैं, हाजी साहब के, हाजी साहब की मम्मा के बिल्कुल मतलब के हैं, बहुत स्पाइसी हैं, मजा आ गया। ये जी ये बिला साहब भी आ गए हैं, इतना ये लोभी बंदा है ना, ये बहुत लोभी बंदा है, इसको पता चला है कि भाई आज शेख साहब भी आ गए हैं। ये शेख साहब बैठे हैं, शेख साहब ने दिहाड़ियां लगाई हैं, बकरे जिबा की हैं, बैल जिबा की हैं, तो हमने शेख साहब को जब फोन किया ना कि भाई ना पाचो खाने पे, किसी तरीके से ना जी। अच्छा जी, तो बिले को भी खबर पहुंच गई है, खुशबू पहुंच गई चप्पल कबाब की, तो बिला साहब कहते हैं जी मैं भी फौरी आ रहा हूँ। वैसे ये नजर भी नहीं आता, कौन आती भाई, कौन फूफो आज, तो इसने कहा भाई भाई मौका, मौके को कैश कराओ भाई। जितने मर्जी मेहमान आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दिल छोटा नहीं किया, खाना शाना जो हुआ अच्छे से करके खिलाया, और मेहमान भाई अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। आज सब मेरी एक बात नोट कर लें भाई, जो मेहमानों को देख के ना अपना दस्तरखान छोटा कर लेते हैं, जी हमारे पास सही नहीं है,
मतलब वो कुछ करते नहीं मेहमानों के लिए, तो अल्लाह ताला उनका रिस्क बिना कम कर देता है। वो उनके पास होते हुए भी वो अपना रिस्क जो है ना वो इंजॉय कर ही नहीं सकते, तो अपना दस्तरखान बाजन हमेशा खुला रखेंगे। शेख साहब कोई मजदूरी भी मिली है? कोई नहीं, बकरों की और गाय की 1000 रुपये मिले हैं। किसने दिए हैं ये? किसने दिए हैं जी 1000 रुपये? ये तो भाई ये मजदूरी कोई नहीं है, ये तो सिर्फ वो समझ लेंगे मोटिवेट करने के लिए 1000 रुपये दिए हैं, मजदूरी कोई नहीं। यार शेख जी कोई बोटी छोटी किसने लादा दी हो के पाजन 2 एक्स्ट्रा दे दियो शेख साहब ने? कुछ भी नहीं शेख साहब, भजन कुछ भी नहीं मिला। ये तो मेरी भजन ये मोए मोए हो गया शेख साहब के साथ, क्योंकि जितना शेख साहब ने काम किया ना, शेख साहब को 5-10 किलो गाय का गोश्त और कम से कम 1 ना बकरे की पूरी लान वो शेख साहब को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये मोए मोए हो गया शेख साहब के साथ। जी जी ये शामी कबाब भी हम लोग ने फ्राई किए हैं और इसके साथ ये राइस भी गर्म कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो बिला आया ना बिला छोटा बिला ये भाई तबाही पाट देता खाने की, ये लिहाज नहीं करता कि किसी को मिले ना मिले, इसने कहना भाई बस छिकी जो छिकमंड प्रोग्राम रखता है ये। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ये मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हवा चल रही है बड़ी बेहतरीन सी। हम लोग वॉक करके निकले हैं, मेहमान चले गए तो हम वॉक के लिए बाहर आए हुए हैं। ये देखें ये यहाँ पे ज़मीन पे बैठ गया था, ये देखें और सबको बुला रहा कि इधर आके बैठें, ये किसी के नेबर के घर के आगे बैठा हुआ है। एम आजी हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। अभी हम नेबर के घर आए हैं जिनके ये गेट के आगे इब्राहिम बैठा था, तो बस अम्मी की फरमाइश पे बल्कि अम्मी की सिफारिश पे मैंने इनको आइसक्रीम दिलवा रहा हूँ। थैंक यू बोले बेटा आशिक अंकल को, थैंक यू बोले, थैंक यू बोले अब्दुल्ला, थैंक यू बोल के हैं, अल्लाह हाफिज भी कर दें। दोस्तों अभी हम वॉकशॉप करके थक टूट के घर वापस आ गए हैं, बोल जो बस नीनो आनी है, अब थके हुए हम लोग, अब्दुल्ला भाई भी थक गए हैं, अब बस अब हम जाते हैं और हम एसी ऑन करते हैं और अपना बेड सही करते हैं। अब हम नीनी शो कर लेते हैं, ऊपर आके बात करें, ऊपर आके पापा, अब वो फिर से अल्लाह पा दें, हाँ बिला बबू ही देंगे। तो अब ब्लॉग करते हैं यहीं पे मुकम्मल, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे चैनल को लाइक कर दें हमारी वीडियो। हाँ जी चैनल को बाय भी कर देना, लाइक भी कर देना, बाय भी कर देना, कल मिले कल बाग पे सीखा हला हाफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और हमारे चैनल बेबी पापा व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। कल को मिले। हाँ जी मीठे भी कर दो।